बुधवार को नवनियुक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह देथा ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। देथा ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अजमेर के लिए उनकी प्राथमिकता आमजन को वो सारी सहूलियतें देने की रहेगी जो सरकार की ओर से वर्तमान में चलाई जा रही हैं। देथा ने आने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने को भी अपनी प्राथमिकता बताया। कार्यभार संभालने के बाद देथा ने सरकार के 60 दिन की कार्य योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अब तक किए गए कामों की समीक्षा की। देथा ने सभी अधिकारियों को बचे हुए कामों को जल्द निपटाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। चुनाव बिल्कुल नजदीकी है, वो पूरा निष्पक्ष और बढ़िया से हो, उसके साथ साथ जो जन समस्याएं हैं, पब्लिक ग्रीवेंसीज हैं, उनका रिड्रेसल हो समयबद्ध तरीके से, मोटा मोटा ये रहेगा। और जो चूँकि ये टूरिज्म नगरी है, धार्मिक नगरी है, अभी मई में उर्स भी आ रहा है, आगे पुष्कर का भी है, तो वो अच्छे तरीके से हो, गवर्नमेंट की नीतियों के जो डायरेक्शन है उनका सफल क्रियान्वयन की प्राथमिकता रहेगी। आई एम फुल कॉन्फिडेंट, मेरे पूरी जो भी नई टीम है उसमें पूर्णतः विश्वास है, अच्छे से कार्य करेंगे। ट्रांसफ़र तो ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें मतलब इलेक्शन में इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। और जो भी टीम है मेरे साथ, नहीं हमारे हैं, आई थिंक इट ओवर, जो मेरे प्रेडिसर वैभव जी मेरे मित्र भी या सीनियर हैं, डेफिनेटली उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया, तो उनके क्या सिस्टम्स थे उनको देखेंगे और प्रयास करेंगे। हम जिनको जो ग्रीवेंसेज हैं, गवर्नमेंट अभी ई समाधान, ई सुगम को सबको एक करके नई स्कीम भी अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मेरे पास संभाग के 4 साल में गया था, उसमें डिस्कशन हुई, तो गवर्नमेंट की भी प्राथमिकता है जन समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण हो, तो उसको प्रयास करेंगे आगे नेक्स्ट टाइम और देखेंगे। और आप लोग कोई भी किसी तरह की बात हो तो प्लीज़। नहीं, डेफिनेटली मोबाइल है हमारा, आप किसी भी समय, और आप लोगों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सेंसिटिव इश्यू है या मान लो कोई, तो उसमें अपना फीडबैक जरूर दें। और चूँकि ये सेंसिटिव है धार्मिक के हिसाब से प्लस कम्युनल के हिसाब, मेरा यहाँ पूर्व दिन ब्यावर में मैं रहा हूँ 2002-3 में, मेरे को काम करने का मौका लगा, तो पूरा सभी कम्युनिटीज़ में एक संभाव प्लस। अजमेर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक बुधवार को एडीए सभाकक्ष में एडीए चेयरमैन डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एडीए के लिए 370 करोड़ के बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पूर्व अनिवार्य रूप से आयोजित बजट बैठक में कार्मिकों के वेतन सहित मास्टर प्लान पर चर्चा की गई। साथ ही पिछली बैठक में बच्चे कार्यों की पुष्टि और बच्चे मामलों पर चर्चा की गई। इस मौके पर एडीए कमिश्नर मनीष चौहान, विनीता श्रीवास्तव, प्रियंका जोधावत, निगम मेयर कमल बाकोलिया, पुष्कर पालिका अध्यक्ष मंजू कुर्डिया सहित एडीए के अधिकारी मौजूद रहे।